सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इसके हवाले से चंद जरूरी बातें आपके गोश गुजार करूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसकी फजीलत को समाप्त भी करें और समझें भी कि ये आयत करीमा का फायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बता दूं जब तुम्हें कोई गम और मुसीबत लाहित हो तो तुम उसे बारगाहे इलाही में इल्तिजा करो तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर दे। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इरशाद फरमाइए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ इरशाद फरमाई, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। अब आगे आप मजीद समाप्त फरमाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुजुर्गों ने दीन से ये बात साबित है कि जो शख्स आयत करीमा का सवा लाख मरतबा खत्म करे तो जिस गम से नजात के लिए, जिस मुसीबत से नजात के लिए वो आयत करीमा का खत्म शरीफ रखे, अल्लाह ताला उस मुसीबत और गम से उसे नजात अता फरमाएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।